दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और दोस्तों, मैंने जैसा पिछली वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम एकदम बिगनर्स की सीरीज चालू करने वाले, एकदम ब्रांड न्यू सीरीज़ होगी जिसमें बिल्कुल बेसिक से शुरू होने वाला है। यानी कि आपने कभी भी ब्लेंडर यूज़ नहीं किया है या फिर थोड़ा बहुत कर रहा है, उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल होगी। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियोज़ अभी से जो बाकी वीडियोज़ आएगी। ये सीरीज़ थोड़ी लंबी जा सकती है क्योंकि एकदम हम बेसिक जो बिगनर लेवल पर चीज़ें होती है वो सब कुछ सीखेंगे ब्लेंडर में। तो चलो दोस्तों, बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू कर दें। दोस्तों देख सकते हैं, हमने ब्लेंडर डाउनलोड ओपन कर लिया है। ये हमारा एकदम जो है लेटेस्ट, और ये देख सकते हैं अभी लेटेस्ट ब्लेंडर का जो वर्जन है 2.92 अभी अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर लीजिए इसे, आपको मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप www.blender.org की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं एकदम ब्रांड न्यू ब्लेंडर का वर्जन। ओके दोस्तों, तो अभी जैसे ही आप ब्लेंडर को ओपन करते तो कुछ ऐसा सीन आता है आपके सामने, ठीक है, जैसे स्क्रीन आती है। तो दोस्तों, तो स्क्रीन में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रहते हैं और बाकी जो है बाकी पीछे का फाइल रहती है। दोस्तों तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो ऐसे हैं कि यहाँ पर हम न्यू फाइल खोल सकते हैं किसी भी तरह की, या फिर अपनी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हैं यहाँ से, या फिर हमने जो भी रिकवर लास्ट में कोई भी चालू किया होगा, कोई भी ब्लेंडर फाइल हम ओपन कर रखे होंगे या फिर जो यूज़ कर रहे होंगे वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बाकी कुछ 5 रिसेंट फाइल होती है जो कि आप यहाँ पर शो भी होती है हमारी, एंड दिस ये रिलीज नोट्स, यानी इसमें जो कोई अपडेट आती है या फिर आने वाली वो सबके बारे में था। डेवलपमेंट फंड यहाँ से अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, आप अगर इस तरह इतना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन हट जाएगी। ओके, अभी आ चुका है हमारे सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन। दोस्तों इस स्क्रीन को क्या बोला जाता है, सबसे पहले सुन लीजिए। तो इस स्क्रीन को बोला जाता है व्यू पोर्ट, यानी जो कुछ हमें दिख रहा है उसे व्यू पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग पैनल्स होते हैं इसमें, ये देख सकते हैं अलग अलग पैनल्स हैं। अगली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम इसमें बेसिक से एकदम शुरुआत की है, तो ब्लेंडर को कैसे शुरू से यूज़ करें उसके बारे में मतलब समझने वाले। ओके, तो ब्लेंडर आगे बढ़ने से पहले आपको इसमें मूवमेंट्स कैसे करने हैं, आपको जूम जूम आउट पैनिंग या फिर रोटेशन वो सब कैसे करना है ये बताने वाला हूँ, ठीक है। हर चीज़ के दो दो तीन तीन ऑप्शन तरीके बताऊँगा, लाइक जूमिंग के दो ऑप्शन बताऊँगा, पैनिंग क्या बताऊँगा। तो चलो आप ध्यान से देखिए, अगर चाहे तो लिख सकते हैं। दोस्तों एक ब्लेंडर चीट शीट है जिसमें कि सारे शॉर्टकट्स होंगे, उसकी अगर हो सके तो मैं उसका लिंक ज़रूर दूंगा, आप उसे पढ़ लीजिएगा, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम रोटेशन से। रोटेशन मतलब कि अभी आप ये जो इसका ये वाला साइड देख रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि इसके दूसरा साइड देखा, लेकिन इस साइड से आप समझ सकते हैं पीछे का साइड देखना चाहते हैं, तो वो रोटेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। दोस्तों एक और बात बता दूँ शुरू करने से पहले, अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो कोशिश कीजिए एक माउस ले लीजिए, अच्छे से यूज़ कर पाते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि टच पैड के साथ ब्लेंडर यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट चला जाता है, लाइक रोटेटिंग के टाइम हुआ, पैनिंग के टाइम हुआ, ठीक है। उनके लिए भी शॉर्टकट से ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा इजी होगा अगर आपके पास एक माउस होगा। तो डिज़ाइनिंग के टाइम माउस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो शुरुआत करते हैं, आपके पास जो माउस है, लैपटॉप यूजर्स के लिए बताऊँगा, पहले माउस वाले को बताता हूँ। तो जो माउस है उसका जो स्क्रोल की होता है, स्क्रोल की को आप जो कि सेंटर वाला राउंड की होता है कि घुमा सकते हैं, उसको आप क्लिक कर कर अपने माउस को ड्रैग कीजिए किसी भी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपको मूव करना है कुछ इस तरह से देखिए, और ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। जैसे आप अभी इस साइड है, आपको पीछे का दिख रहा है, तो अपने माउस की स्क्रोल की पर क्लिक कर कर कुछ इस तरह से रोटेट करेंगे, तो देख सकते हैं हम पीछे का देख रहे हैं, ठीक है, अलग अलग साइड का हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा रोटेटिंग का। अभी लैपटॉप यूज़र्स के लिए बताता हूँ कि यहाँ पर देख सकते ग्लोबल गिज्मो है, इसको गिज्मो बोलते हैं, इसमें कहीं भी क्लिक कर कर अब जब आप इसको मूव करेंगे, ठीक है, तो देख सकते हैं आप रोटेट कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसा जब आपको रोटेट करना है वैसा आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये हो गया रोटेशन का। नेक्स्ट दोस्तों आता है पैनिंग का ऑप्शन। पैनिंग क्या होता है बेसिकली, कि जो आपका ये सीन है इसको शिफ्ट करना साइड की तरफ। किस तरह से शिफ्ट करना, कि जैसे के लिए समझिए इधर कोई ऑब्जेक्ट है आपको वो देखना है इस साइड हमारे स्क्रीन के, तो वो कैसे देखेंगे, तो सिंपल आपको फिर से अपने माउस के स्क्रोल की को क्लिक कर कर रखना है, एंड देन शिफ्ट दबा कर अपने सॉरी पहले शिफ्ट दबाइए फिर माउस के स्क्रोल की को क्लिक कर कर अपने माउस को मूव कीजिए, कुछ इस तरह से आप पैन कर सकेंगे। ये हो गया दोस्तों पैनिंग का ऑप्शन। अभी फिर जो लैपटॉप यूज़र्स हैं उनके लिए हमारे पास यहाँ पर ये हैंड का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर अब जब आप क्लिक कर कर इसे मूव करेंगे तो कुछ तो इस तरह से ये पैन होगा, देख सकते हैं आप। ये हो गया पैनिंग का ऑप्शन। पैनिंग समझ में आ गया, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी इधर का साइड में हमारा कुछ भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसे देखना है आपको, तो आप कुछ इस तरह से उसको यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। जैसे कैमरा है इसको देखना है आपको, तो आप इस तरह से व्यू कर सकते हैं, पैनिंग हो गया, ठीक है। और रोटेटिंग का मैंने बताया आपको, स्क्रोल की दबाकर अपने माउस को मूव करना है। थर्ड दोस्तों ऑप्शन है आता है, वो आता है जूमिंग का। जूमिंग यानी आपको कोई भी बड़ी चीज़ पर काम करें, ठीक है, उसमें कुछ छोटी सी डिटेल करनी है आपको एडिटिंग में, बाद में जो मैं बताने वाला हूँ आपको, डिज़ाइनिंग बताने वाला हूँ, उसमें जो भी आपको कुछ एडिटिंग्स करनी है तो उसके लिए आपको जूम करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल। इसके लिए भी आपका माउस का जो स्क्रोल की है उसको जब आप नीचे की तरफ स्क्रोल करोगे तो ये जूम इन होगा, और जब आप उसको ऊपर की तरफ स्क्रोल करोगे तो ये जूम आउट होगा, ठीक है।
ये जूम इन हो गया, ये जूम आउट हो गया। ये किस लिए, जब आपको बहुत ही मिनिएचर एडिटिंग करनी है तो उसके लिए यूज़फुल है। देन सेकंड, फिर से हमारे लैपटॉप यूज़र्स के लिए, यहाँ पर ये जो मैग्नीफाइंग ऑप्शन है मैग्नीफाइंग ग्लास का, इस पर क्लिक कर आप जब आप इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे अपने टच पैड पर तो ये जूम होगा, और पीछे की तरफ मूव करेंगे तो जूम आउट होगा, फिर नीचे की तरफ मूव करेंगे तो जूम आउट होगा। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए, समझ जाएंगे, मुझे लगता है बहुत ही ईजी चीज़ है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया पहले रोटेटिंग का, ठीक है, रोटेटिंग के लिए अपने स्क्रॉल की दबाकर माउस मूव करिए। सेकंड पैनिंग का, पैनिंग के लिए आपको शिफ्ट दबाकर अपने स्क्रॉल की को क्लिक कर मूव करना है माउस को, तो वो हो जाएगा, या फिर ये हैंड से कर सकते हैं आप। रोटेटिंग के लिए मेरा यहाँ पर गिज़्मो बता दिया। एंड थर्ड था जूमिंग का, कुछ इस तरह से हम अपने स्क्रॉल की को जूम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन होगा, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम आउट होगा, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन आता है हमारे पास किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करने का। ठीक है, सपोज़ कीजिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास जैसे कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अभी हम इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, लेकिन हमें वहाँ पर जाना है, तो अब हम यहाँ पर जूम करेंगे, फिर पैन करेंगे, फिर जूम करेंगे, फिर पैन करेंगे, ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो इसके लिए मेरे पास बहुत ही हमारे पास बहुत ही छोटा सा एक शॉर्टकट होता है, जिसे भी आप क्लिक करेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर फोकस ऐसा नहीं कि बाकी ऑब्जेक्ट को एक्सक्लूड या फिर ब्लर कर दे, इसमें फोकस है किसी एक ऑब्जेक्ट पर पहुँच जाना। ठीक है, उसके लिए आप जैसे कि मुझे लास्ट वाला ऑब्जेक्ट पर पहुँचना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, अपने नंबर पैड जो कि आपके राइट हैंड साइड पर होता है उसमें आप जो डेल का ऑप्शन रहता है उसमें एक डॉट बना हुआ है ना, फुल स्टॉप बोल सकते हो उसको, जीरो और एंटर के बीच में, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम उस पर डायरेक्टली फोकस कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा उधर वाला जो ऑब्जेक्ट था वो हमसे दूर जा चुका है, तो आप उस पर वापस से आना चाहते हैं वापस उस पर क्लिक कीजिए एंड देन अपने डेल का ऑप्शन दबाइए एंड आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए वहाँ पर पहुँच गए। एक और दोस्तों इसके लिए ऑप्शन हमारे पास वो है कि किसी भी तरफ जहाँ पर भी आपको पहुँचना है वहाँ पर अपना कर्सर लाइए, अल्ट दबाइए और स्क्रॉल की दबा दीजिए और यहाँ पर वहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, जहाँ पर भी आपको पहुँचना है वहाँ पर अपना कर्सर लगाइए, अल्ट दबाइए एंड स्क्रॉल की दबाइए, अब वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों फोकसिंग का ऑप्शन। दोस्तों हमने अभी की वीडियो में अभी तक यहाँ पर जान लिया है हमारा जूमिंग, रोटेटिंग, पैनिंग और फोकसिंग। और तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं कि वीडियोज़ हम ज़्यादा लंबी नहीं रखने वाले हैं, इस सीरीज़ में इतनी ही लेंथ की वीडियोज़ रहेगी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ में आई होगी, अगर कुछ भी आपको छूट गया या फिर कुछ समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर भी मैं कुछ स्टनिंग अपनी रेंडर्स डालता रहता हूँ, वहाँ पर आप आइडिया ले सकते हैं कि आप किस तरह से मेरे साथ सीखने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं इस जर्नी में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, अगर आए तो मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए।